तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं एक कच्चे आलू से पूरी फैमिली के लिए एकदम शानदार और जानदार नाश्ता, जिसे आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। तो आप इसे बनाने पे मजबूर ही हो जाएंगे, जरूर बनाएंगे और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो नाश्ते को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे एक कच्चा आलू लिया है, जिसे हमने अच्छे से क्रश करके पानी में भिगो दिया है। गैस पे पैन रखना है फटाफट से। इसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करना है। ऑयल जैसे अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम वेट करते रहेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरे को अच्छे से क्रैकल कर लेना है, यानी कि चटका लेना है। तो यहाँ पे देखिए, जीरा अच्छे से क्रैकल हो गया है। इसमें सफेद वाला तिल डाल दिया, हरी मिर्ची हमने ऐड कर दिया है, साथ ही साथ में अच्छे से इसे भून लेते हैं। तब तक भूनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से इसे हमने भून लिया है। अब इसमें हम आलू को डालेंगे। आलू को हमने पानी से निकाल लिया है, निचोड़ लिया है। आलू के लच्छे कितने बड़े बड़े हैं, कितने शानदार दिख रहे हैं फ्रेंड्स। और लच्छेदार आलू की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूं, तो इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा, ताकि मैं जब भी रेसिपी शेयर करूं तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे और आपका प्यार सपोर्ट हमें जरूर मिले। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट अकॉर्डिंग नमक हमने ऐड कर दिया है, फिर वापस से मिक्स करेंगे। नमक को अंदर जाते ही ये बहुत ही लूज होने लगता है और इसे अच्छे से गलने में मदद मिलता है। तो आलू गल गया है यहाँ पे। अब इसमें हम 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है फ्रेंड्स, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं 1/2 कप पानी और ऐड करूं इसके अंदर। यहाँ पे 3 ब्रेड लिया है, ब्राउन ब्रेड का यूज कर सकते हैं, मेरे पास व्हाइट ब्रेड था। और यहाँ 1/2 कप मैंने सूजी लिया है, तो दोनों चीजें यहाँ पे चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जाएगा मिक्स मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और इसमें हम ब्रेड को ऐड कर देंगे फटाफट से। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा। बहुत ही तेजी से पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो ये देखिए, जितना भी इसमें पानी था सभी को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन मुझे अब पानी नहीं डालना है। अब इसमें क्या करना है, थोड़े थोड़े से करके हम सूजी को ऐड करेंगे इसके अंदर और मिक्स करेंगे इसे। एक साथ सूजी को डाल के मिक्स नहीं करना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, गांठे बन जाएंगी, फिर आपको नाश्ते बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे, और तब तक हम इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे फ्रेंड्स, जब तक कि ये अच्छे से एक डो फॉर्म में नहीं आ जाता है, ये डो नहीं बन जाता है। तो आई होप आपको क्लीन विजुअल हो रहा होगा, विजिबिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए लोग देख रहे हैं, अगर नए लोग विजिट कर रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसे हम डो बना लेते हैं। पहले वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना पसंद नहीं करती हूँ। आपका भी टाइम जाए और मेरा भी जाए, जो भी चीज़ें बताना है हमें शॉर्ट में बता देती हूँ, मुझे ज़्यादा बातें करना भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, डो जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसमें हम ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। इसे आप पानी के साथ भी ऐड कर सकते थे, लेकिन मैं ऊपर से डालूंगी थोड़ा। और यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, खुशबू तो पूछिए नहीं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कटा हरा धनिया यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। काली मिर्च का पाउडर है तो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं साथ ही साथ में। बहुत ही ज़्यादा गर्म है फ्रेंड्स, हाथों में नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद हमने ठंडा करके इसे गूंथ लिया है। देखिए, आटा एकदम अच्छे से रेडी है। चलिए नाश्ते को बनाते हैं यहाँ पे। तो इतने बड़े से एक लोई तोड़नी है, जैसे कि हम रेगुलर रोटी बनाते हैं कुछ इस तरीके से हमें लोई लेनी है। यहाँ पे लोई को अच्छे से दोनों हाथों की मदद से हमें गोल करना है, जिसमें ये टूटे फूटे क्रैक ना हो, इस तरीके का हमें इसे गोल करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से ये गोल हो चुका है लोई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है नाश्ता। अब इसे हाथों से, हथेली से, हाथों की दोनों हथेलियों से थोड़ा थोड़ा सा पुश करते हुए दबा देंगे, और उसके बाद फिंगर की मदद से इसे हम सेट करेंगे, ताकि ये कबाब शेप में आ जाए। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया सा प्यारा सा कबाब बन गया है सूजी और ब्रेड का। तो उम्मीद करती हूँ कि आप बेहद ही अपना इसे प्यार देंगे। नाइफ लिया है मैंने, नाइफ का जो काटने वाला हिस्सा है उस हिस्से से नहीं, बैक वाले हिस्से से इस पर हम डिजाइन करेंगे इस तरीके से। बहुत ही प्यारा लुक आएगा, बहुत ही बढ़िया डिजाइन है। जिसे भी देंगे वो थोड़ी देर के लिए सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि डिजाइन बना कैसे है, लेकिन आपको देखने में लग रहा है बहुत ही ईजी है, लेकिन वाकई में बहुत ही ईजी है। यहाँ पे मैंने कलौंजी लिया है जो एक चिटकी उठाएंगे और बीच में रख देंगे, जिससे कि इसके लुक में चार चांद लग जाएगा। बहुत ही बढ़िया सा लुक आ रहा है। देखिए यहाँ पे उंगली में तेल लगा के इसे अंदर के साइड पुश कर देना है, यानी कि दबा देना अंदर के साइड। देखिए यहाँ पे कैसा लग रहा है, ये एकदम डिजाइनदार लग रहा है, कोई अच्छी वाली कुकीज बनाया है। तो सारे नाश्ते को इसी तरीके से बनाएंगे, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक नाश्ता यहाँ पे हमने किस तरह से बनाया है, सभी को मैं डेकोरेट कर रही हूँ। मैं यहाँ किचन सर्विस का यूज कर रही हूँ क्योंकि इस पे लुक बहुत ही बढ़िया आने वाला है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्लेट नहीं है, आप लोग ऐसा नहीं सोचना, मैं इसे ऐसे दिखा रही हूँ आपको कि लुक बहुत ही बढ़िया आ रहा है। देखिए डिजाइन भी ट्रायंगल में आ गया और कितना ही प्यारा लुक आया है फ्रेंड्स। तो अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो मेरी रेसिपी, आप मुझे बेझिझक कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपकी रेसिपी मुझे इस तरीके की लगी। इसमें कुछ सुधार करना है तो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं कर लूँगी। चलिए चलते हैं गैस के पास। पहले से यहाँ पे ऑयल गरम है, मैंने पहले से ही कढ़ाई रख दिया है। बातें बातों में मैं रख ही देती हूँ और बनाते में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक एक काम हो जाता है। तो ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें हम जितना हमारे तलवे में कढ़ाई के तले में जितना स्पेस होगा उतना नाश्ता पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ चार डाल सकते हैं, आप तीन ही डाला है मैंने। फिर मुझे इसे 5 मिनट तक इसी ही कंडीशन इसी फ्लेम पे छोड़ना है, फिर हमें इसे पलट लेना है। देखिए बिल्कुल भी टूटा फूटा नहीं, बहुत ही आसानी से ये निकल गया है, बिल्कुल भी किसी चीज़ का झंझट नहीं है यहाँ पे। और कलर ही बहुत ही प्यारा आने वाला है, तो आपको मैं दिखाऊंगी कितना ही प्यारा कलर आया है। तो आप जब बनाएंगे तो आप एक बार हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका ये रेसिपी जो आपने बनाई है वो टेस्ट वाइज कैसी बनी है, लुक वाइज तो मैं देख ही लूँगी। तो देखिए बिल्कुल भी ये जो कलौजी हमने इसके अंदर ऐड किया है वो निकला नहीं है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया, ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ इसे हमने फर्स्ट बैच को निकाल लिया है प्लेट में, दूसरे बैच को फ्राई कर लेते हैं। फटाफट से चलते हैं फ्राई करने, एकदम अमेजिंग सी रेसिपी। घर आए मेहमानों को चाय के साथ एंजॉय कराइएगा जरूर बना के। देखा आपने कितना टाइम लगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, बहुत ही कम टाइम कम चीज़ों के साथ बनाया है मैंने इसे, तो बहुत ही मेहनत लगी है फ्रेंड्स। इसे फटाफट से हम सर्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इसके कॉम्बिनेशन में आप कुछ भी रख सकते हैं, चटनी, चाय, कॉफ़ी, तीखी चटनी, मीठी चटनी, साउथ इंडियन चटनी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी प्यारी सी रेसिपी, आई होप आपको पसंद आई हो। तो मिलती हूँ इसी तरीके से फ्रेंड्स आप सभी से एक न्यू वीडियो एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए।